तुम कुछ खाया है शायद? ऐसे क्या लेटा हुआ है ये? अच्छा कुछ खाया होगा। खा रहा था मछली? नमस्ते, ये यहाँ पे जो हमारा घर है ये डामकोटी नंबर 3 मायापुर में, तो वो एक छोटा सा अजगर आया हुआ है यहाँ पे, इसको रेस्क्यू करेंगे, कोई यहाँ पे अजगर को रेस्क्यू करने आएंगे। ठीक है, हाँ बताइए। आप क्यूआरटी से आए? ये दोनों से क्यूआरटी से। यार आपको दो तरीकों से पकड़ सकते हैं, एक तो गेट वाला तरीका, लेकिन सेफली जाना पड़ेगा, भागे था वो, भागेगा था वो। पहले तो छोटा लग रहा था, आप तो एडल्ट लग रहे हैं। हाथ से ही उठा दिया इन्होंने, एक्सपर्ट हैं आप लोग, जो अटैक कर रहा है आपके ऊपर ये तो। वो है पाइथन ना, इसमें कोई डाउट नहीं कि अजगर है? नहीं, अजगर ही है, अजगर ही है। और इसने तो कुछ फ्रेश खाया है? खाया तो खाया, कुछ खाया है इसने अभी ना, ताज़ा ताज़ा। कितनी एज होगी आपके सब चीज़ की? एक साल का बच्चा ही है इसमें। हाँ तो यार ये बताओ, जैसे आप लोग तो फॉरेस्ट से हैं जी, इनके गंगा जी में तैर के भी आते हैं? आते हैं, आ जाते हैं, गंगा जी में तैरते हैं। गंगा जी पहले सूखी रही थी ना, उसको अजगर निकला। अच्छा, अभी तो इसमें बहुत सांप होंगे सर, ये इंडियन ट्राइबल होता है, ये पानी में रहता है, ये पानी वाला तो खैर यार रोज ही आता है, उसको तो हार्मलेस है, इसका तो हम कुछ भी नहीं करते। आइए आइए सर, तुम आप नंबर दो मुझे, आप फोटो ले लो, इससे इसका भी रेस्क्यू तो हो गया, अब कहाँ पे छोड़ेंगे? सेफ सेफ जगह पे छोड़ लेंगे, कुछ चीनी वगैरह होगा। अच्छा, पानी के आसपास, पानी की रिक्वायरमेंट तो होती है। ये बहुत अच्छा रेस्क्यू मिशन यहाँ पे किया है, जो डिविजनल ऑफिस हरिद्वार रेंज के, यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स भी हैं, उनका स्टाफ भी है, और बहुत ही कम रिस्पांस टाइम आपका है, लगभग आप मान सकते हैं कि 5 से 6 मिनट में आपकी टीम यहाँ पे आ गई। और आप जानते हैं कि हरिद्वार में वाइल्ड लाइफ काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि राधा जी से क्षेत्र जुड़ा हुआ है, गंगा जी है पास में, तो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। अक्सर हम देखते हैं घरों में भी इस प्रकार से जानवर, चाहे फिर सांप हों चाहे गो हों, इस तरह से आ जाते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप छोटा सा फ़ोन कॉल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करें, और बड़ी तत्परता से आप लोग काम करते हैं, विशेष रूप से आप सबका धन्यवाद।